हाय, दिस इज़ नीट ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम नीट 2017 बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स गो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, होलो एंजाइम क्या है? और बहुत सारे ऑप्शन थे, होलो एंजाइम इक्वल टू डैश डैश डैश। आंसर है, होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम। अगर ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम कम हो जाए तो इससे क्या रिलीज नहीं होगा? इट विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसे हम ANF कहते हैं। ठीक। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल कॉज द रिलीज ऑफ, इससे क्या रिलीज होता है? तो इससे जो रिलीज होते हैं पहला एल्डोस्टेरोन, दूसरा ADH, तीसरा रेनिन। क्वेश्चन, विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवर कूम सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम ये है पैनेथ सेल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। आप इनमें से बताओ कि इनमें से क्या पॉलीमेरिक नहीं है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड से। तो आंसर है लिपिड्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, क्या डेवलप होते हैं? मेगास्पोर डेवलप होते हैं एम्ब्रियो सैक में। क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ कौन बनाता है? स्वान सेल एंड ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ठीक है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स याद रखना, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कौन सा मीडियम है जो इन सबको रिक्वायर्ड होता है? एंटेमोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, इन्हें एंटेमोफिली कहते हैं। और जो हाइड्रोफिली वाटर, एनेमोफिली विंड, और चिरोप्टेरोफिली आपका हुआ बैट्स, और एक ऑप्शन होएगा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है? फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, कौन से साइड में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? उसके पोस्टसिनैप्टिक, ठीक है, पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन, एडल्ट ह्यूमन RBCR एंड न्यूक्लेटेड, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि RBC क्यों न्यूक्लेटेड नहीं होते हैं। ऑल देयर इंटरनल स्पेसिस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैपेसिटेशन ऑकर्स इन, हमेशा याद रखना, इट्स ओनली कैपेसिटेशन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। Who are found in extreme saline condition? तो ये है Archaebacteria, of course, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। ओके, asymptomatic in a logistic growth curve is obtained when, कब होता है? जब K is equal to N. Next question, artificial सिलेक्शन टू ओपटेन काउज। ठीक है, काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट। ओके, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ओपटेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डिरेक्शनल, एज इट पुशेज द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डिरेक्शन। ठीक, मैच, ठीक है, मैच करना है आपको। क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं, मैं बस आंसर बोल रहा हूँ।
एनाबेनाइज नाइट्रोजन फिक्सर, याद रखना एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सर। राइजोबियम इज अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा एक एग्जांपल है उनका। फ्रैंकिया एलनस, करेक्ट। ओके, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैरेटिन रिच फूड। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरेटिन, ठीक है, पहला ये। दूसरा पॉइंट है रेटिनल इज डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए, याद रखना विजन विटामिन ए। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल पिगमेंट्स। ओके, द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड, ओके, कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, किसके साथ स्टेन करने के बाद दिखते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। द हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, कहां से, इंटेस्टाइन से, ठीक। द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू किस, क्या राइज, मतलब वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंथेसिस, राइट। अभी इसमें क्वेश्चन था कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, याद रखना थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। वाह, लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल मतलब, और सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। सिकल सेल एनीमिया आपका हुआ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम और थैलेसीमिया आपका हुआ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि उनका सिंथेसिस कम हो जाने से प्रॉब्लम होती है। जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर, हस्बैंड का जीनोटाइप है IAIB एंड वाइफ का जीनोटाइप है IAI स्मॉल आई। तो यहाँ पे डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल बताओ। जीनोटाइप है 4 और फिनोटाइप है 3, कैसे। जीनोटाइप का हुआ IA क्रॉस IA, IA, हाँ, फिर IA क्रॉस I, IAI, फिर IA, IB और IBI। वहीं पे फिनोटाइप आपका हुआ सेम A, AB और B, डन। विच कंडीशन फैसिलेट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एपरेचर, स्टोमाटा अपर्चर किससे खुलता है, आंसर पहला रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्युलोज माइक्रोफिबल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है, रेडियल ओरिएंटेशन होना चाहिए पहला। दूसरा इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, इनका टर्जिडिटी इंक्रीज होने से भी खुल जाता है स्टोमाटल एपरेचर, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बोगनविलिया में थॉर्न्स मॉडिफाइड होते हैं स्टेम, दे आर मॉडिफाइड स्टेम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 conservation of threatened animals and plants. तो XC2 में एग्जाम्पल है आपके XC2 या XC2 wildlife safari parks, आपका cryo preservation या seed banks etc. Question, root hairs develop from द रीजन ऑफ, कहां से डेवलप होते हैं, मैच्यूरेशन। डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजक्शन इज डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, याद रखना क्या है, जीरो,
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है जीरो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, उनको स्टेटमेंट दे दिए थे उसमें और आपको माइटोसिस के करंट इवेंट्स लिखना है। तो पहला होता है कंडेंसेशन, जो न्यूक्लियर है कंडेंसेशन हुआ, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, गायब होता है, ठीक है, डिसेंबली हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली हो जाते हैं, फिर अरेंजमेंट ऑफ एट इक्वेटर, हाँ ठीक, इक्वेटर में अरेंज होने के बाद आपका सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, देन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के बाद टेलोफेज। ये बस आपको कुछ ही इवेंट्स दिए थे, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन, ए टेम्पररी एंडोक्रीन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज, टेम्पररी एंडोक्रीन ग्लैंड क्या है, कॉर्पस लूटियम। ओके, आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स इज फेलेम, फेलेम डेड सेल्स, ठीक है, कोलेनकाइमा, फ्लोएम, आपका ज़ेलेनपैरेनकाइमा, सब लिविंग सेल्स है। गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी वॉल बॉक्स इकट्ठे, आपको मैच करना है, ठीक है, एक तरफ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और आपके दूसरी तरफ है कॉजिटिव एजेंट, कौन फैलाता है, तो गोनोरिया को कौन फैलाता है, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नेसेरिया एंड सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्राइपोनेमा। जेनियल वार्ट्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन पेलोमा, ये एक वायरस है पेलोमा, ठीक है, और एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर आयंस का फंक्शन क्या है, ये स्पर्म को स्लो डाउन कर देते हैं, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक, कम कर देते हैं सारा। ओके, व्हिच प्रोसेस इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, सीवेज ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, डन। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट्स शेयर विथ कोडेट्स, हेमिकोडेट और कोडेट्स में एक कैरेक्टर है जो सिमिलर है, दैट इज फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, दोनों में है, ठीक है। द फाइनल प्रूफ, डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूफ किया था, और एक्सपेरिमेंट था कि, मतलब किसने प्रूफ किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है आखिर में, इज हर्शी एंड चेज, मार्था हर्शी एंड चेज। क्वेश्चन, कैरेक्टर दैट वाज कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, आपको सबको याद है वो सात कैरेक्टर थे जिन्होंने वो पी में एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें से क्या क्या थे, सीड पॉड, पहला तो सीड था जिसमें ग्रीन है या येलो है, फिर पॉड था जिसमें इन्फ्लैटेड है या कंस्ट्रक्टेड है, और आपका था स्टेम, टॉल है या शॉर्ट है, ऐसे ही टोटल सात कैरेक्टर उन्होंने चूज किया था, लेकिन एग्जाम में आया था दैट कैरेक्टर दैट वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल, ऑफ कोर्स वो जो सात कैरेक्टर थे उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा आया होगा वो नहीं था, तो उसमें एग्जाम में आया था ट्राइकोम्स दैट इज ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, ये नहीं था एक्सपेरिमेंट में। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स
न्यूमाटोफोर्स एंड शो विविपरी बिलोंग्स टू ओके प्लांट्स ओके बिलोंग्स टू हेलोफाइट्स. द पाइवर जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, ये कैसा है, ये सिनोवॉल जॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं. पहला, इंक्रीजिंग एटमोस्फियर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू, उनका परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू 0.05, इट एनहांस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट. ठीक है, नेक्स्ट इज टमाटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमोस्फियर फॉर हायर यील्ड. ये कुछ स्टेटमेंट थे एग्जाम्स के, ठीक है, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को. लाइट सेचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स एट, लाइट सेचुरेशन याद रखना ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, 10% लॉ यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके डीएनए फ्रैगमेंट्स आर क्या, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड. क्वेश्चन, ओके हु प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल में स्टिकी कैरेक्टर किस के वजह से होता है, वो है चिपचिपा ग्लाइकोकैलिक्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंट द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम कॉम्पोजिशन बताओ. लाइपेज, एमाइलेज, फिर आपका नया ट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. क्वेश्चन, करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन बताओ एक्वाटिक मैमल्स के. ये सबसे इजी क्वेश्चन था, व्हेल्स, डॉल्फिन एंड सील. ओके क्वेश्चन, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, ठीक है पहले से झड़ जाते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, कैसे रोका जा सकता है, ऑक्सिन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग. यस, इस बार से टॉपिक फ्रॉग जरूर पढ़ के जाइए. आंसर इज पहले टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया एंड उसके बाद आपका किडनी. यस, टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, किडनी, उसके बाद ब्लैडर्स कैनल, उसके बीडर्स कैनल के बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन उसके बाद क्लोआका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ ए कपल वेयर मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है बहुत कम है स्पर्म, तो विच टेक्निक विल बी सुइटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो स्पर्म काउंट कम हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, इट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैक्सिमम बायोमास फॉरेस्ट इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोली
एल्वोली दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. गहरी सांस छोड़ने के बाद भी वो कोलैप्स नहीं करते हैं. क्यों? ड्यू टू रेसिडियल वॉल्यूम. प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स. ओके, प्लांट्स अरेंज किए हैं वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिमांडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट. ठीक है, उनका हाइट अच्छे से दिखे वर्टिकल लेयर में सजाया गया है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है. तो करेक्ट स्टेटमेंट आर, वहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, मैंने बस करेक्ट स्टेटमेंट चुना है. द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज इम्परमेबल टू वाटर. जो असेंडिंग लिंब है तो परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. तो असेंडिंग लिंब परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट से और डिसेंडिंग लिंब परमेबल है वाटर से. सिंपल. ओके, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था पहला टाइम? दैट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ये कौन दाया था? अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज zygotic meiosis is characteristic of. Answer is Chlamydomonas. Zygotic meiosis. ठीक है, फ्यूकस नहीं है zygotic meiosis, फ्यूनेरिया भी नहीं है zygotic meiosis, मार्केंशिया भी नहीं है zygotic meiosis. Chlamydomonas is zygotic meiosis, उनका कैरेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर आर 999 bases इन एन RNA दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन विथ 333 एमिनो एसिड्स एंड द बेस एट पोजिशन 901 इज डिलीटेड. पोजिशन 901 डिलीट हो गया तो लेंथ ऑफ द RNA बिकम्स 998 बेसिस. ठीक है, तो हाउ मैनी कोड्स विल अल्टर्ड. कितने कोडन्स जो है, हाउ मैनी कोडन्स विल अल्टर्ड, कितने कोडन्स अल्टर्ड किए हैं? यहाँ पे आंसर है 33 कोडन्स जो है यहाँ पे अल्टर्ड होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल. ठीक है, इन द ओवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फ्लावर जो है हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेंसेस. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो इट्स पॉलिनेटेड बाय विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन. ठीक है, फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी. पेशेंट का बॉडी जो है वो टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन के टाइम एक्सेप्ट नहीं करता है. ये जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है या इम्यून रिस्पॉन्स है ये किसके कारण होता है? ये विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ रिजेक्शन? आंसर इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली. लाइफ साइकिल बताओ. ठीक है, एक्टोकार्पस का है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दोनों हैप्लॉइड भी डिप्लॉइड भी, और वहां पे फ्यूकस का है आपका सिर्फ डिप्लॉन्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जीन हूज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर. क्वेश्चन, ए डायशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, कौन से पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं ये? ऑटोगैमी एंड गेटोगैमी.
डायशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गेटोगेमी। तो डायशियस प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कैसे पॉलिनेटेड होते हैं? प्रोसेस जेनोगेमी, ठीक है, प्रोसेस इज पॉलिनेटेड बाय जेनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर क्रैप साइकिल। बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट मैं बस बता रहा हूँ। तो स्टेटमेंट फॉर क्रैप साइकिल आर, देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर एफ ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एफ ए डी एच टू। ठीक है, एक ही जगह है जहाँ पे एफ ए डी एच, एफ ए डी प्लस एफ ए डी एच टू में कन्वर्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ जी टी पी इज सिंथेसाइज्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज देर आर थ्री पॉइंट्स, ठीक है, थ्री पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर एन ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एन ए डी एच, एच प्लस एच प्लस। क्वेश्चन, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, पेप जिसे हम कहते हैं, इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन, कहाँ पे, इन सी फोर प्लांट्स, ठीक है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओके, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज टू एलोंगेट, क्या एलोंगेशन के लिए, द लेगिंग स्ट्रैंड को एलोंगेट करता है, लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। व्हिच आरएनए शुड बी मोस्ट एबुडेंट इन एन एनिमल सेल, कौन सा एबुडेंट है सबसे ज्यादा, इज आरआरएनए सबसे ज्यादा एबुडेंट है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ LH एंड FS। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट का क्राइटेरिया क्या है, दैट इज ऑन एगरस जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इनका क्राइटेरिया क्या है कि स्मॉलेस्ट डीएनए साइज, फ्रैगमेंट साइज जितना छोटा है वो उतनी ही दूर मूव करते हैं, द फार्दर इट मूव्स, छोटा साइज ज्यादा दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया, इट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, हाइट और दोबारा नहीं बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि रीज़न है एपिफिजियल प्लेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं एडोलेसेंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स कहाँ, इट इज प्रायर टू फिशन। अगर मैं क्वेश्चन करूँ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, इट इज ऑकर इन एस फेज, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में इट्स प्रायर टू फिशन एंड इन यूकैरियोट्स इन एस फेज। पीरियड फॉर, ओके, वो पीरियड बताओ, मतलब वो ईयर कहाँ से कहाँ तक जहाँ पे मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उस पीरियड है 1856 से 1863 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड डिफर्स फ्रॉम वायरस इन हैविंग, ओके, आंसर था, उस क्वेश्चन का आंसर है आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ आउट प्रोटीन कोट। माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट डैश, ओके, माल्ट MALT कंस्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, इट इज 50%।
नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग करके, मैंने बस आंसर लिख दिया है करेक्ट, ठीक है। मेथानो बैक्टीरियम प्रोड्यूस मीथेन, क्वेश्चन टू इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एंड नंबर थ्री इज पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस पेनिसिलिन, दैट इज एंटीबायोटिक, एंड चौथा इज सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका इथानोल ब्रेड बहुत सारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, एसेटोबैक्टर एसेटी इज प्रोड्यूस एसेटिक एसिड, और जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल दैट नोन विदाउट अ डिफाइन और डेफिनेट सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं है और सबसे छोटे हैं, दैट इज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ हॉर्स, तो इनका ऑर्डर होता है पेरिसोडेक्टिला, क्या पेरिसोडेक्टिला, तो हॉर्स पे अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए तो मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही, तो ऑर्डर इज पेरिसोडेक्टिला, और इनका जो फैमिली है वो इक्विडेई, और नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग हर्ट व्हेन, देखा फिर से फ्रॉग आया, मतलब आपको फ्रॉग टॉपिक करके जाना इस बार, तो फ्रॉग हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बीट फॉर सम टाइम, ये थोड़े देर के लिए धड़कते रहते हैं, तो इनका रीजन क्या है, रीजन इज पहला हर्ट इज मायोजेनिक, ठीक है, हर्ट इज मायोजेनिक इन नेचर एंड हर्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इसीलिए। क्वेश्चन, होमोजाइगस प्योरलाइंस इन कैटल्स कैन बी ऑप्टेंड, ठीक है, कैन बी ऑप्टेंड बाय, होमोजाइगस प्योरलाइंस कैसे ऑप्टेंड होंगे, बाय मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, ठीक है, सेम ब्रीड। ओके, हर्ट वुड, इनके बारे में कुछ टिप्पणी या पॉइंट्स, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालने बोला था तो मैंने सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को लिखा है यहाँ पे, तो हर्ट वुड जो है हाईली ड्यूरेबल है। नेक्स्ट इज इट कॉम्प्राइजेस डेड एलिमेंट्स, ठीक है, इट कॉम्प्राइजेस डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, और तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट। क्वेश्चन, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जिन्हें कहते हैं, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी, तो बेसिकली एपीसी मशीनरी जो है वो किस लिए ज़रूरत होता है, इट नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटिस ऑफ माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, तो अगर एपीसी डिफेक्टिव निकला ह्यूमन सेल में तो क्या होएगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि ये किस लिए मदद करते हैं प्रॉपर माइटोसिस में, लेकिन अगर वही उपलब्ध ना हो तो क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट इनके एब्सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये क्या है, म्यूचुअलिज्म, मैच करना है आपको, क्वेश्चंस में थे कुछ 12 पेयर और 7 पेयर थे और आपके सामने स्टेटमेंट लिखने थे, तो ये करेक्ट है, 12 पेयर रिब्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं और जो 7 पेयर हैं वो ट्रू रिब्स हैं, तो ट्रू रिब्स अटैच्ड आर अटैच्ड
डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इन केस ऑफ पॉरीफेरा में द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स आर कॉल्ड. द स्पॉन्जोसील्स इज लाइंड विथ क्वानोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट वैलिड फॉर एरोसिस. एरोसिस कुछ को स्टेट्समेंट दिए थे, मैं यहाँ पर भी सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स को मेंशन करूँगी. एरोसिस दे अल्टर रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न. एरोसिस अल्टर रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न्स. दूसरा, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. तीसरा, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. एंड लास्ट वन, दे कॉज डिक्रीज. ठीक है, दे कॉज डिक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू अ डेंटल चेकअप. ठीक है, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 teeth. ओके, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 teeth. विच टीथ वेर एब्सेंट? प्रीमोलर. उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैच है यहाँ पे भी. ओके, साइकास डायसियस. साइकास डायसियस सीडी. साइकास डायसियस सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस इक्विसेटम होमोस्पोरस पाइनस मोनोसियस. याद रख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म. करेक्ट, ये डबल है, डबल नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय सिंपल एंजियोस्पर्म. ओके, स्प्लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ bacteria. Okay, next question. The association of histone H1, that is histone H1 with nucleosome indicates the DNA is condensed into chromatin fiber. The region of biosphere reserve, which is legally protected and where no human activities is allowed. ठीक है, no human activities are allowed is known as core zone. Okay, that's all for today and thanks for watching and all the very best for NEET 2018. और मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन बंद करके रखा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पे आप जितना से जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उतना अच्छा है. तो मैंने सोचा है कि अब से मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जितना हो सके उतना अपलोड करूँगी एंड होप आप सबको वो मदद करें. एंड थैंक यू.